हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद नेहा। तो क्या आप भी डार्क सर्कल यानी आंखों के नीचे काले घेरे से बहुत ज्यादा परेशान हैं और उसके लिए आपने बहुत सारे होम रेमेडीज भी ट्राई कर ली हैं और काफी सारे प्रोडक्ट भी ट्राई कर लिए हैं, लेकिन आपके जो डार्क सर्कल हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो 100% वर्क करेगा आपके डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए। तो इस रेमेडी को हमें कैसे बनाना है ये जानने के लिए और कैसे हमें इसे यूज करना है, आपको वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए हम अपना रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ कि इस रेमेडी से आप अपने और कौन से स्किन प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आपके बॉडी के कोई भी पार्ट जो कि आपके स्किन कलर से थोड़े से डार्क है, जैसे कि हमारा गर्दन होता है और हमारी एल्बो होती है और नीज होता है, जो कि हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन से थोड़े से डार्क होते हैं, जो कि बिल्कुल ऑड लगते हैं, इसलिए आप इस रेमेडी को यूज करके अपने उस पार्ट को भी आप थोड़ा सा ब्राइट बना सकते हैं, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है थोड़ा लाइट बना सकते हैं। और अगर आपको पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम, आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए भी आप इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कॉफी। तो मैंने यहाँ पे नेस्कैफे की 2 रुपए पाउच वाली कॉफी ली है और मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज के आलू को कद्दूकस करके ले लिया है, जो कि बिल्कुल इसी साइज का था, और मैंने इसे कद्दूकस धुलने के बाद, छीलने के बाद कद्दूकस कर लिया। और अब हम लेंगे एक क्लीन बाउल और उसमें इस आलू का पूरा रस निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे स्ट्रेनर की हेल्प से आलू का पूरा रस निकाल रही हूँ। आप चाहें तो कपड़े की हेल्प से भी इसे निचोड़ के इसका पूरा रस निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू के सारे रस निकाल लिए हैं, इतना एनफ है हमारे फेस पैक के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक क्लीन बाउल और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ कॉफ़ी। तो अगर आप पूरे फेस और पूरे बॉडी के लिए इस पैक को बना रहे हैं तो आप पूरा एक पाउच यूज़ करिए, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आधा पाउच ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ सिर्फ अपने डार्क सर्कल के लिए और अपनी एल्बोज़ के लिए। और इसमें जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आलमंड ऑयल। तो अगर आपके पास आलमंड ऑयल है तो आप उसे ऐड करिए, अगर नहीं है तो आप विटामिन ई कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आलमंड ऑयल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है और इसका रिजल्ट हमारे डार्क सर्कल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आलमंड ऑयल यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा जो पैक है ये बिल्कुल रेडी है अप्लाई करने के लिए। तो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अपना ये अमेजिंग सा फेस पैक। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा थिक है ना ही ज़्यादा थिन। तो इस तरीके से आप अपने फिंगर टिप्स पे लेके अपनी आँखों के नीचे हल्के हाथों से चाहें तो आप 2 से 3 मिनट तक मसाज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने आलमंड ऑयल ऐड किया है जिसमें कि विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। तो वैसे भी अगर हम विटामिन ई ऑयल से अगर अपनी आँखों के नीचे मसाज करते हैं तो वो खुद अपने आप पे हमारे डार्क सर्कल को बहुत हद तक कम कर देता है। तो इस तरीके से आपको मसाज करना है। इसके बाद आप चाहे तो और अप्लाई करके इस तरीके से अपने फेस पैक को छोड़ दीजिए, और इसे चाहे तो अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए, अपने नेक पे अप्लाई करिए, अपने नीज़ पे अप्लाई करिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आइज एरिया और एल्बोज़ पे। इस तरीके से अप्लाई करने के बाद मैं इसे 10 मिनट तक छोड़ दूँगी बिल्कुल ऐसे ही। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, इसके बाद मैं इसे रिमूव करूँगी। तो आफ्टर 10 मिनट ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ इसे रिमूव करने। तो रिमूव करने के लिए मैं अपने हाथों में बिल्कुल नॉर्मल वाटर लेके और इसे हल्के हाथों से अपनी आँखों के नीचे मसाज कर रही हूँ। तो आप जितना मसाज करते हैं अपने फेस पे, अपने अंडर आइज एरिया पे, उतनी ही आपकी स्किन ग्लो करती है अब, और आपके डार्क सर्कल भी उतने ही लाइट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से मैं मसाज करके इनको रिमूव करूँगी। मैं आपको बता दूं कि कॉफ़ी जो होता है हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है काफ़ी अच्छे तरीके से, और ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। सो यहाँ पे ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके पिगमेंटेशन के लिए और डार्क सर्कल के लिए। कॉफ़ी हमारे स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है और ये हमारे स्किन के डेड सेल्स को भी निकाल देता है, इससे हमारे स्किन की रीग्रोथ भी होती है। इसमें हमने पोटैटो जूस भी ऐड किया है और पोटैटो जूस में कोलाजेन होता है, यह प्रोटीन होता है जो कि स्किन को टाइट बनाता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। यह डार्क स्पॉट को हटाता है और स्किन को हाइड्रेट करता है, इसलिए हमने यहाँ पे पोटैटो जूस ऐड किया है।
इसके बाद हम इसे रिमूव कर लेंगे और नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेंगे। तो इस फेस पैक के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि इसे अप्लाई करने से पहले आप इसे अपने कलाई पे या फिर इसे गर्दन पे थोड़ा सा लगा के चेक कर लीजिए ये आपको सूट कर रहा है या नहीं। अगर आपको ईचिंग होती है तो आप इसे ना ट्राई करें। तो इसके बाद अब आप देखिए मेरा जो डार्क सर्कल है काफ़ी हद तक फर्स्ट एप्लीकेशन में ही रिमूव हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बगल के बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। और ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा है प्लीज आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस रेमेडी को ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।